नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, या बड़े जो भी चीज़ को देखेंगे वीडियो को, आजकल जो है एक चीज़ है कि बच्चों के अंदर ना एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत हो गई है। ईगो कह सकते हैं हम इसको, ये बहुत आ गया है। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, देखिए ये है, हम ही सही हैं। अगर कोई आपको बात बताने की कोशिश करे या बताए, तो ये कि मेरे में गलती कैसे हो सकती है। ये तो थोड़ा सा आ गया है बच्चों में। मैं ये नहीं कह रही सभी बच्चों में है, लेकिन ये है बच्चों के अंदर। क्लास के अंदर मेरे ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, है ना? मैं ही सबसे ज़्यादा डिसिप्लिनड हूँ, है ना? और मेरे में कुछ गलतियाँ हैं ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण मुझे समझ में आता है, वो ये आता है कि देखिए, हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था है ना, वो न्यूक्लियर फैमिली तक सीमित होकर रह गई है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे। हमारी जनरेशन में बच्चे जो होते थे वो पूरे मोहल्ले के होते थे। मोहल्ला इन द सेंस कि अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा है तो मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति डांट सकता था या उसे कह सकता था, नहीं, ये काम नहीं करना है भाई, है ना? दूसरी बात, अगर टीचर ने बच्चे को डांटा है और उसने घर पे आके, पहले तो हम लोग बताते ही नहीं थे, घर पे आके मतलब बताने से डर के कि अब वहाँ पे डांट पड़ी, यहाँ भी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बताते थे, है ना? बताया तो कभी भी माँ बाप ये नहीं करते थे कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा बच्चा तो गलत हो ही नहीं सकता, गलती टीचर की है। नहीं, वहाँ डांट पड़ी तो घर भी फिर डांट पड़ती थी, फिर मिल के आते थे कि अच्छा क्या क्या भाई, कान खींच के रखना इसके, कान खींचना मतलब एक सिंबॉलिक बात कि नहीं बच्चे को आप समझा के रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स छुट्टियों में हम लोग जाते थे, नाना नानी, दादा दादी, बुआ, सारे सारे रिश्ते वहाँ जाते थे, वहाँ हम नई नई चीज़ें सीखते थे, है ना? नई नई लोगों से मिलते थे, हम कुछ गलती करते थे तो वो लोग भी हम लोगों को डांटते थे, समझाते थे। तो क्या होता था, ईगो कभी भी एक तरह से निकल ही नहीं पाता था कि हाँ हम लोग ही ठीक हैं। अभी क्या हुआ है, अभी पेरेंटिंग एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि घूमने के नाम पे तो हम लोग आउटडोर्स में चले जाते हैं, है ना? नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, ये सब तो रिश्ते अब बहुत पीछे छूट गए, मामा वगैरह, है ना? और अगर कोई किसी बच्चे को हल्का सा ये भी बोल दे कि नहीं बेटा इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो मम्मी पापा को तुरंत बुरा लग जाता है कि हमारे बच्चों को ऐसा कैसे बोल दिया आपने। ये नहीं कि हो सकता है ये सही बोल रहे हो, इससे हुआ क्या है, एक बहुत नेगेटिव जो एक वैल्यू है वो बच्चों में आ गई है आजकल। और उससे जो बच्चे हैं उनमें ये हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और फिर होता क्या है, आजकल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी देखिए आप लोग, इस टाइप के बच्चे मिल जाएंगे जो टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो घर में भी आके बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन एक तो होता है क्वेश्चन पॉजिटिव, एक होता है क्वेश्चन नेगेटिव कि आपने ऐसा बोला तो आपने ऐसा बोला, क्यों बोला? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग जो न्यूक्लियर फैमिली का एक तरीके से ये डिजास्टर है जो बच्चों के अंदर आ रहा है, कि बच्चे जो हैं वो ईगो से भर गए हैं। और इस वजह से ना तो लोग कोई उन्हें कुछ कहता है, टीचर भी एक तरह से, टीचिंग जो है वो प्रोफेशन बन गया है। टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, है ना? टीचिंग प्रोफेशन नहीं होता है, ये शब्द ही बिल्कुल गलत है। पेशा, टीचर कोई क्या नाम है, पेशेवर थोड़ी होता है। टीचर इज अ टीचर, वो गुरु, गुरु की तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी महत्ता है ना? तो ठीक है, उसको एक तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो आपका पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। वो पेशा कैसे हो गया, लेकिन वो बन गए हैं, क्योंकि अगर वो बच्चों को डांटे या बच्चों को बोले तो बच्चों को बुरा लगता है ना? आप इस चीज को गौर कीजिएगा, और अपने बच्चों को अपने तक मत बनाइए, वो इस देश का भविष्य है। और बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, तो बच्चों अगर कोई आपको आपकी किसी बात पे कुछ कहता है, समझाता है, तो वो आपके फायदे के लिए है। इसमें उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें आपकी ईगो को जो है वो स्मूथ किया जा रहा है ताकि वो आगे ना खराब ना हो। राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।